इन दिनों अचानक देश से बाहर रहने वाले ऐसे आतंकी जिसे भारत सरकार पहले से ही आतंकवादी घोषित करते हुए उस पर इनाम रखे हुए एक एक करके उनकी मौत होती जा रही है। 19 जून सोमवार को कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया था। बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने 41 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें हरदीप निज्जर का नाम भी शामिल था। इससे पहले लंदन के एक अस्पताल में खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के मुखिया और अमृतपाल सिंह का मेन हैंडलर अवतार सिंह खांडा की मौत की खबर भी सामने आई थी। खांडा को ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले और तिरंगे के अपमान के बाद गिरफ्तार किया गया था। खांडा पंजाब का रहने वाला था और उसका जन्म मोगा जिले में हुआ था। अभी हमें मिली जानकारी के मुताबिक हरदीप निज्जर को कनाडा के सरी में गोली मारी गई है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। वो कनाडा के सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ था। वो पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था। फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियां कनाडा की जांच एजेंसियों के साथ इस वारदात के बारे में जानकारी जुटा रही है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक हरदीप निज्जर पिछले कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले एक साल से और भी ज्यादा सिरदर्द बन गया था, क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवाना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यानी आतंकवादी घोषित किया था। निज्जर के दो सहयोगियों को फिलीपींस और मलेशिया से कुछ महीने पहले ही गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले साल 2022 में पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। NIA के मुताबिक पुजारी की हत्या की साजिश खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF ने रची थी। कनाडा में रहने वाले निज्जर KTF का प्रमुख था। भारत में जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान विदेशों में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकियों ने प्रदर्शन किया। इस मामले में NIA ने भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की थी।